नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बताते चलें कि आज कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत, 94 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 65। रात भर तक बढ़ेगी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। RVRI प्राइवेट लैब भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। आपको बता दें, बरेली में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ते आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। वहीं आपको बता चलें, इनरव्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी द्वारा मनाए गए इंटरनल फ्रेंडशिप डे। इनरव्हील क्लब ने आज ऑक्सीजन पार्क में, अनामिका पब्लिक स्कूल के मैदान में, 6 पार्क में बनाया चैरिटी प्रेस ने अनीता गोयल 25 पौधे लगाए। इस मौके पर सुधा सक्सेना, रचना सक्सेना सभी लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप के अवसर पर शुभकामना बधाई दी और उन्होंने कहा कि हमें लगातार इन पौधे लगाना चाहिए। वहीं आपको बता चलें, आज एक गुण संस्था द्वारा आओ वृक्ष लगाए अभियान के तहत जिला सयापुर में टीम कस्बा ने खुदागंज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हम लोग दिन प्रतिदिन वृक्षारोपण तथा पौधे लगाना चाहिए। वहीं आपको बता चलें कि राष्ट्र जागरण उद्योग व्यापार मंडल ने ईद व रक्षाबंधन के त्यौहार पर लोगों से अपील की। जिला तहसील नवाबगंज में बता चलें कि COVID-19 की महामारी चलते नगर में त्यौहार को लेकर नवाबगंज में उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने ईद उल अजहा पर नवाज पढ़े, मंदिरों मस्जिदों में भीड़ न लगाएं। इस वहीं आपको बता चलें, कोरोना महामारी चलते नवाबगंज में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों बिना मास्क के घूमने वालों को निःशुल्क वितरण किए मास्क। बताया जाए, उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने कहा कि हम दिन प्रतिदिन लोगों के लिए निःशुल्क मास्क का वितरण कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने आज मास्क में दिन प्रतिदिन निकलने वाले व्यापारी तथा ग्राहकों के लिए मास्क का वितरण किया। इस मौके पर राजेंद्र गुप्ता, महामंत्री कामेश पांडे, रोहित मिश्रा, कृष्ण आदि पदाधिकारी लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चलें कि वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश, 6 लग्जरी कार व 3 बुलेट बरामद हुए, 5 वाहन चोर पकड़े गए, 8 की तलाश, बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। SSP शैलेश कुमार पांडे निर्देशन में वाहन चोरों के खिलाफ चलाया जा रहे अभियान के अंतर्गत आज भोजीपुरा पुलिस ने प्रभारी अधीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में सैदपुर चुन्नालाल के सामने एक वाहन प्लाट पर बिक्री के लिए बदमाश जमा होने की सूचना मिली थी। इस दौरान उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान 4 बदमाश पकड़े गए। वहीं आपको बताते चलें कि बहन ने प्रेमी के भाई की करी हत्या, आपत्ति ने स्थिति में देखने को मिला था। बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में सनसनी का मामला सामने आया। प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल के भाई को उतारा मौत के घाट। भाई ने बहन को प्रेम के साथ देख लिया, आपत्ति ने स्थिति में पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी की तलाश जारी है, दफनाया गया शव निकलवा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पर सभी की शिनाख्त की जा रही है। वहीं आपको बताते चला कि नाली के पानी को लेकर धारदार हथियार से किया हमला, इलाज दौरान हुई युवक की मौत। शौचालय के टैंक के पानी को लेकर हुई मारपीट, घर के सामने रहने वाले मुजाहिदी जाहिद पानी को विरोध करते हुए बदबू आई, इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। मृतक के भाई ने बताया कि झगड़े के दौरान एक दूसरे में मारपीट होने लगी। इस दौरान उन्होंने पुलिस को तहरीर दी, दोनों को पीटा कर घायल कर दिया गया। वहीं आपको बताते लगी, महिला के कुंडे में लटकी मिला लाश, महिला वालों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना बहादरी क्षेत्र के खुशबिन क्लब कॉलोनी में शीतल पत्नी का जो प्राइवेट स्कूल में 4 साल से शीतल ने लव मैरिज कर शादी की थी, इस दौरान उन्होंने लव मैरिज के बाद झगड़ा होने लगे। इस दौरान उन्होंने कमरे की कुंडी में मृतक फांसी लगा ली। इस दौरान वो डाइवोर्स हो चुका। रात के 9 बजे सूचना मिलने पर ससुराल वाले आ गए, उन्होंने उनके पति पर आरोप लगा दिया। वहीं आपको बताते चले, आज बरेली के शिवसेना के जिला उपाध्यक्ष राम अवतार गंगवार ने शिवसेना के द्वारा आज उन्होंने रामगंगा स्थित हनुमान मंदिर पर उन्होंने बानर सेना को फल तथा खाद सामग्री का वितरण किया और उन्होंने बताया, हम दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और बानरों के लिए थोड़ा सा फल सामग्री का वितरण करते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि रोडवेज के रिटायर मैकेनिक की पत्नी ट्रेन से कटकर हुई हत्या। थाना चनेटी के रहने वाली 65 वर्षीय कटोरी तथा 6 सालों से दिमागी संतुलन होने के कारण घर से निकल जाया करती रेल की पट्टी की तरफ। सुबह 4 बजे निकल गई, पति ढूंढने निकले तो उन्होंने देखा कि लाइन पर पड़ी मिली। वहीं पर बताते चलें कि आज मुस्लिम लोगों ने आज ईद उल अजहा बड़े धूमधाम के साथ मनाया तथा उन्होंने लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद उल अजहा को लोगों को हार्दिक शुभकामना दी और ये त्यौहार धूमधाम से मनाया गया तथा सभी से एक दूसरे को सोशल डिस्टेंस का पालन करने। वहीं आपको बताते चलें, आज कोविड अस्पताल में इंतजाम परखने के लिए नोडल अधिकारी नवनीत सहगल पहुंचे बरेली। संक्रमित मरीजों से की फोन पे बात। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को यूपी में सरकार बेहद गंभीर है। बरेली में कोरोना के चलते 50 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रोज संक्रमित के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पार कर चुके हैं। वहीं कोई आज लेके
नोडल ऑफिसर नवनीत सैगल बरेली पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोविड कंट्रोल रूम देखा, कोविड मरीजों घरवालों में बातचीत की वास्तविकता जानने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक उन्होंने नोडल अधिकारी से बात की और पीजीआई की एक टीम बरेली पहुंची है तथा उन्होंने सभी को देखभाल तथा कंट्रोल करने के लिए भरपूर कोशिश करने की अपील।